हेलो फ्रेंड्स, की हाल आ? मैं अज थोड़े लिए परौंठे लै के आ रही हाँ, एग वाले, जो कि मेरे बच्चे बहुत लाइक करते हैं। उम्मीद करती हाँ कि तुम भी यदा टेस्ट करके वेखो, थोनू भी वधिया लगनगे। मैं चार परौंठिया का मतलब मटीरियल लिया, तुम आपके हिसाब से जिन्हें परौंठे पकाने हैं उस हिसाब ना बनाने उन्ना लै लियो। मैं एक बाउल फ्लोर लिया वीट का आटा, तो आ लिया वा मैं घ्यो। बटर भी तुसी यूज़ कर सकते हो, रिफाइंड ऑयल भी, वो ऑप्शनल, मतलब जिहड़ा थोड़ा दिल करे वो कर सकते हो ना। ते ग्रीन धनिया लिया, कोरिएंडर ऑनियन लिया, प्याज, ये मैं हाफ भी यूज़ कर लैनी हुनी हाँ, जो छोटा हो पूरा बिच कटिंग कर लैनी हाँ। फोर एग ले आ, ते धनिया लिया, काली मिर्च ली है, रेड ली है, ये थोड़ी थोड़ी पाऊंगी बिच है ना। ते धनिया जीरा पाउडर लिया वा, गर्म मसाला लिया, और लून लिया, नमक, दो ग्रीन चिली लिया ने। ये तुसी आए हैं भी बच्चों नू तां मतलब ब्लैक पेपरी पा के दे दियो, काली मिर्च, ते जिवें आप खाने आ आपां मतलब ग्रीन हरियां मिर्चा यूज़ कर सकते हैं। विच जिंजर लै लिया, थोड़ा जिहा अदरक, उहदे विच थोड़ा बरीक करके मैश करके विच पाया होवे तां परौंठे दा टेस्ट बहुत वधिया आउंदा है। हुण आपां इहनां नूं रैडी कर लईए। पहलां मैं डो बना लवां आटे दी, ते प्याज सारा समान थोड़ा थोड़ा कटिंग करके, ते चलो आपां तैयार करते हैं परौंठा। हाँ जी, आपां डो तैयार कर लईए। आटा गुन्नना, इहदे च थोड़ा थोड़ा पानी पाइए। पानी पाउण नाल फिर ये प्रॉपर तैयार हो जाएगा। जो ये डो बन गई, 10 10 मिनट रख लो, थोड़ा जहा वधिया उहदे नाल परौंठा बन जाता है। तो आपां गुन्न के हुण डो तैयार कर लैनी है, थोड़ा थोड़ा पानी पा के, ज़्यादा पतला नहीं करना हैगा। उस हिसाब नाल तुसीं इहनूं करी। हाँ जी, हुण आपां डो तैयार कर लैनी है इहदी, थोड़ा थोड़ा पानी पा के, ते आपां इहनूं करांगे सैट जमा प्रोपर, जिहदे नाल अपना परौंठा सही बने। ज़्यादा पतला नहीं करना, ते ना ही ज़्यादा हार्ड होवे, सॉफ्ट डो तैयार करनी है आपां। हाँ जी, हुण अपनी डो तैयार हो गई है। आटा ते ना ही हार्ड आ, सो बहुत ही वधिया ढंग नाल अपनी डो तैयार हो चुकी है। आपां इहदे ते थोड़ा जिहा देसी घी ला सकते हैं, जां बटर ला लो तुसीं कि थोड़ा जिहा सॉफ्ट रहेगा, ते आपां परौंठा होर ही वधिया बनेगा। इहनूं हुण आपां 5 10 मिनट रख दो, उस तों बाद आपां परौंठा तैयार करना स्टार्ट करांगे। जिन्नी देर तक ये आपां साइड 'ते रख दिंदे हां ते ये सैट हो जूगी, उन्नी देर तक आपां जिहड़ा आपदे प्याज वगैरह सारा ओनियन अपना कटना स्टार्ट करते हैं। ते उस तो बाद फिर रेडी हो जूगा, फिर मिक्स करके आपां परौंठे स्टार्ट करांगे। हाँ जी, आपां ये समान सारा तैयार कर लिया, हुण कटिंग कर ली। ओनियन, ग्रीन चिली एंड अदरक, ते धनिया, इन्हां सारे नूं हुण आपां इहदे च 4 एग कर ले आ रेडी। इहनूं आपां हुण सारे नूं मिक्स करांगे। हाँ जी, हुण आपां बाउल लै लिया, बाउल दे विच इन्हां नूं, उस तों बाद आपां इहनूं थोड़ा जिहा ब्लेंड करना, फिर वन बाय वन सारियां चीज़ां आपां मिक्स करना दे विच। ब्लेंड कर लिया, उस तों बाद आपां विच इहदी ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਨਮਕ ਆਪਦੇ ਟੇਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਖਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਮਿਰਚ ਰੈੱਡ ਵਾਲੀ, ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ, ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਲੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਮਿਰਚ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਗ੍ਰੀਨ ਚਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰੀਨ ਚਿੱਲੀ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
मतलब ग्रे चीनी ना पायो क्योंकि कला ब्लैक पेपर ही ठीक है क्योंकि उन्होंने स्पाइसी ज़्यादा पसंद नहीं होंगे गे फिर परौंठा भी उन्होंने स्वाद नहीं लगता गा फिर नहीं खाते वो बाद में इस करके तुसी हुण इन्हां ब्लेंड कर लिया। हुण आपां तवा रखते हैं आपां गैस ऑन करके तवा रख लिया हुण तवा गर्म होने तक आपां परौंठा रेडी करते हैं बेल दी चकले दे ते ग्रीन तुसी जो आपका परौंठा बनाउणा तुसी उह विच ग्रीन चिल्ली आपके जो भी कटिया बरीक बरीक प्याज भी बरीक बरीक कटना है तो उहदे नाल मतलब भी विच परौंठे दे वधिया बन जाएगा अदरवाइज तो निकल जाएंगे। फिर ग्रीन चिल्ली भी कर सकते हो ऐड। चलो परौंठा आपां स्टार्ट करते हैं। हुण तवा गर्म हो गया अपना हुण आपां रोटी बनाउणी स्टार्ट करांगे। पेड़ा लै लो परौंठा बनावांगे। हुण आपां पेड़ना शुरू कर देंगे। परौंठा तो तुम्हें सारे बनाना आता ही होगा सिंपल परौंठा। अच्छा आपां विच एग दा मटीरियल फिल करांगे रोटी बना के तुसी घी ला सकते हो। थोड़ा जिहा घिओ वध ही लाउणा पएगा इस करके कि उहदे च फलावट आवे ते आपां विच उहदे फिल कर सकीए एग वाला जो भी आपां मिक्सर तैयार किया है। इस करके परौंठा जदों भी दिल करे बहुत ही सौखे ढंग नाल कोई स्पैशल इदा नहीं करना पैंदा गा अरेंजमेंट्स तुसी बहुत ही सौखे ढंग नाल आपके बच्चों को परौंठा बना के दे सकते हो आप भी खा सकते हो। देख सकते हो मेरे परौंठे की शेप आ तुसी तिकोना परौंठा भी बना सकते हो आपके परौंठे जिस तरह की मर्जी तुसी शेप दे सकते हो। इस करके हुण आपां तवे ते इहनूं पावांगे। हुण अपना तवा गर्म हो चुका है इहदे ते थोड़ा जिहा तेल लाया जाऊगा। रिफाइंड भी यूज कर सकते हो देसी घ्यो बटर कुछ भी वह थोड़ी आपकी मर्जी है। तो आप देखते हैं अपना परौंठा किस तरह बनेगा। ये बहुत ही सिंपल है कुछ इदा ज़्यादा नहीं करना पैदा ये बहुत ही टेस्टी लगता परौंठा। ये तुम खा सकते हो कॉफी कोई कोल्ड ड्रिंक मतलब किसी चीज़ जो तुम पसंद आ उस चीज़ का तुम खा सकते हो। फ्लिप करने तो बाद ये थोड़ा जहा ऑयल लाना वा फिर ज़्यादा पक्कर नहीं देना इन साइड जल्दी चेंज करनी पड़ेगी अपन क्योंकि इन फिर तुम नाइफ नाल चम्मच नाल ही जिम्मे एक साइड तो इदा करके तुम कर सकते हो ओपन क्योंकि जिदे आप मिक्सर पाना है। मैं यदि आह परत ओपन कर ली हौली हौली चम्मच के नाल। हुण आपां जिहड़ा मिक्स बनाया सीगा वो आपां फिल करांगे इदां फिल कर सकते हो। हौली हौली पिछे नूं जाएगा इहदा जो भी मटीरियल अगे जे करके पा दो इदां करके इहनूं फिल कर लो। फिल करन तों बाद हमने फिल करता है मिक्सर फ्लिप कर सकते हो जो थोड़ा बहुत बाहर भी लग जाए तो लग दो मतलब सैपरेट कर दो नहीं तो परौंठे उपर ही जिम्मे आमलेट की तरह उत्ते लाया जा सकता। फिर इन्हें आप घ्यो ला सकते हैं घ्यो लाने ये होर भी सॉफ्ट हो जाएगा। कई घ्यो सूट नहीं करता इस करके आप ड्राई भी इन हल्के हल्का घ्यो ला के अपना यूज कर सकते हैं। जे तुसी ज़्यादा भी होर भी चाहते हो कि होर भी आमलेट मतलब ये मिक्सर फ्लफी वगैरह होर बने ये आपकी क्वांटिटी के हिसाब से वध भी पा सकते हो ये परौंठे के तो घट भी पा सकते हो जी वो तो आपके डिपेंड करता परौंठा कि हैवी चाहते हो। अपना परौंठा ये तैयार हो गया
ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰੌਂਠਾ। ਰੈਡੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਸ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸੌਸ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕੈਚਅਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। 1 ਕੱਪ ਟੀ ਵਿਦ ਪਰੌਂਠਾ ਐੱਗ ਵਾਲਾ, ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੈਸਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ ਬਾਏ।